अस्सलामुअलैकुम, तरन्नुम का जायका में आपका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ चटपटा कबाब। इसके लिए मैंने लिया 3 पाव मटन का कीमा, 1 टेबल स्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टेबल स्पून कबाब का पाउडर, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टेबल स्पून नमक, नमक स्वाद अनुसार लेना है, 1 टेबल स्पून आमचूर पाउडर, 5-6 लाल मिर्ची, 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून जीरा, 6-7 लौंग, 4 फूल 2 ली हूँ मैंने, 3 बड़ी इलायची ली हूँ, 4 छोटी इलायची ली हूँ, 1 टेबल स्पून काली मिर्च लेना है, 1/2 किलो बेसन ली हूँ, 3-4 प्याज कट करके लेना है बारीक, 4-5 हरी मिर्च ली हूँ, और थोड़ा सा कोथमीर ली हूँ। अब मैं अच्छा मसाला भून लूंगी, उसके बाद इसको पीस लूंगी। अब मैं इसको गैस पे डाल दूंगी भूनने के लिए। अच्छे से भून जाए, जब इसमें खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी ना, फिर गैस बंद करके मैं इसको मिक्सर में पीस लूंगी। जब तक हमारा मसाला भून रहा है, जब तक मैं कीमे में मसाला कांदा वगैरह सब मिला लेती, प्याज वगैरह अच्छे से, प्याज भुक्का मसाला, कोथमीर, पुदीना और जो मसाला मैंने भूनने के लिए रखी थी वो भून गया है। अब मैं इसको मिक्सर में पीस के इसमें मिला दूंगी। मैंने मसाला पीस लियो, अब मैं इसमें मिला दूंगी। मसाला एकदम बारीक पीसना अच्छे से, अब मैं इसको मिलाऊंगी। फिर बेसन मिलाऊंगी, थोड़ा थोड़ा बेसन डालते हुए मिलाते रहना। अगर टाइट लगे थोड़ा तो पानी डाल दीजिए। मैंने अच्छे से मिला लियो, इसको मैंने मिलाकर आधा घंटा फ्रिज में रख दी थी सेट होने के लिए। अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने पैन रख दी हूँ गैस पे, तेल डाल दूंगी मैं। मैंने फुल आंच पे रख दी थी, तेल गरम हो गया है। अब हाथ में पानी लगा लगा के हम कबाब बनाएंगे। पानी लगाएंगे हाथ में तो हमारा कबाब का बैटर हाथ में चिपकेगा नहीं और कबाब एकदम अच्छे से टाइट बनेंगे और तलने के टाइम फूटने का भी डर नहीं रहेगा। कबाब को हमको फूल आँच पर ही बनाना है, किलो आँच पर बनाएंगे तो कबाब फूट जाएंगे। बारी बारी करके एक एक कबाब को अच्छे से फ्राई करेंगे। मटन कबाब बनाने में हमें कम से कम फ्राई करने में 10 मिनट लगेगा। अच्छे से फ्राई करना है ताकि गोश्त अंदर से जरा भी कच्चा ना रहे, अच्छे से पक जाए। जो